हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम ईद शॉपिंग के लिए आए हैं। हर कोई अपना ईद बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो थोड़ी बहुत तो शॉपिंग बनती है। मैं इस वीडियो को ईद से पहले ही अपलोड करना चाहती थी, थोड़ा बिजी रहने की वजह से ईद के बाद किया। मॉल में एंटर होते ही मैं जहाँ पे डेकोरेट आइटम्स होते हैं वहाँ पे आई थी, क्योंकि मुझे वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे न्यू आइडियाज मिलते हैं कि हम अपने घर को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। पे हर डिजाइन के कैंडल्स हैं जो अलग अलग फ्रेग्रेंस के साथ हैं। जितने अच्छे कैंडल है उससे कहीं ज्यादा अच्छे कैंडल होल्डर है जो हम हैंग भी कर सकते हैं, कॉर्नर में भी रख सकते हैं या शो पीस की तरह भी यूज कर सकते हैं इसको। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्रेग्रेंस लैम्प भी है, उसके लिए फ्रेग्रेंस लिक्विड लाइक जैस्मिन, रोज, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल मिलता है। मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं आज स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ही खरीदूंगी। ईद में खुशबूदार चीज़ ज़्यादा खरीदते हैं, लाइक इत्र, परफ्यूम, सेंट्स ज़्यादा यूज़ होता है। ईद के मौके पर ज़्यादातर घर पे डेकोरेट्स चेंज करते हैं, हर चीज़ नया लेते हैं और गिफ्ट के तौर पे देने के लिए भी गिफ्ट परचेस करते हैं। डेकोरेट चीज़ खरीदने के लिए भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है। नमाज के लिए प्रेयर मैट यानी कि जानिमाज अब नए नए खरीदते हैं, तो उसके भी बहुत सारे कलेक्शंस हैं। डेकोरेट के लिए फ्लावर्स विद वास, विदाउट वास अलग अलग टाइप के हैं। ये सब आर्टिफिशियल हैं लेकिन दिखने में तो ओरिजिनल जैसे दिखते हैं। बैग के कलेक्शंस बहुत हैं, मन करता है कि सब खरीद लूं। हालांकि मेरे पास बहुत से बैग हैं, फिर भी मैं इस ईद के लिए एक बैग तो पक्का खरीदूंगी। पे शूज, सैंडल्स के बहुत सारे कलेक्शंस हैं। इस बार मैं अपने लिए फ्लैट शू खरीदूंगी, अलग अलग डिजाइन के साथ, अलग अलग क्वालिटी के हैं, जिसके प्राइस भी अलग है, ब्रांड भी अलग है। मेकअप किट, कॉस्मेटिक्स लाइक आई शेडोज, फेस पाउडर, ब्रशेस, ब्यूटी टूल्स भी अवेलेबल है। मेकअप बिगिनर्स और एक्सपीरियंस भी खरीद सकते हैं, जो कि वाइड रेंज एंड अट्रैक्टिव प्राइस के साथ भी अवेलेबल है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी लाइक रिंग, ईयर रिंग, नॉस रिंग, एंकलेट, नेकलेस, ब्रेसलेट सब अवेलेबल है यहाँ पे, जो टॉप ब्रांड के हैं।
मेरा मानना ये है कि कपड़े हमें ऐसे लेना चाहिए जो हमें पहनने में कंफर्टेबल हो। मैंने भी कुछ ऐसे ही ड्रेस लिए हैं जो मैं आपको अपने ईद के व्लॉग में दिखाऊंगी। अभी तो बच्चों को स्कूल पे छुट्टी चल रहा था, तो हम ईद के बाद फिर से स्कूल रीओपन हो जाएगा, तो स्कूल बैग के भी कलेक्शन है जो बहुत प्यारे प्यारे बैग्स भी हैं इधर। हम सबके ड्रेसेस मैंने यहाँ से ही खरीदी है। बच्चों की तो ऑलवेज मैं सेम कलर में ही लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने थोड़ी सी चेंजेस की है उनकी ड्रेसेस में। ये मैग्नेटिक है जिसके ऊपर अलग अलग डिजाइन बनाए हुए हैं, जो हमें जहाँ पे चाहिए वहाँ हम इसको रख सकते हैं। इस तरह से अलग अलग डिजाइंस के हैं, जो किचन में भी यूज़ करते हैं, जो हॉल में भी यूज़ कर सकते हैं, जो वार्डरोब में यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग फ्रिज में भी यूज़ कर सकते हैं। लोग घर जाएंगे, कल परसों ईद की तैयारी है तो उसको भी थोड़ा बहुत करना है, तो मैं आपको ईद के व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।